हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल फिट और एकदम फाइन होंगे। और आज आप तैयार एक नई कहानी सुनने के लिए? तो जानना चाहेंगे हमारी कहानी का क्या नाम है? हमारी आज की कहानी का नाम है माली काका। एक थे माली काका, बगीचे में पौधा लगा रहे थे। उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकला था। राजा ने देखा कि माली काका ने बड़ी लगन से पौधा लगाया। वह बूढ़े हो चले थे, फिर भी पौधा लगा रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मन ही मन वह सोचने लगा, कब यह पौधा बड़ा होगा, कब यह फल देगा? जब फल देगा तब तक क्या माली जिंदा रहेगा? राजा माली के पास पहुंचा और उनसे पूछा, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो? माली काका ने जवाब दिया, नारियल का। राजा ने पूछा, इसमें फल कब आएंगे? माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्षों के बाद। राजा ने पूछा, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? माली काका ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां और नाती पोते तो इसके फल खाएंगे। राजा कुछ और पूछता उसके पहले ही माली काका ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा के लगाए पेड़ों के फल खा रहा हूँ। वह देखो, वह जो अखरोट का पेड़ है, उसे मेरे दादाजी ने लगाया था। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। अगले दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारे इनाम दिए। बच्चों, दूसरों की भलाई के बारे में सोच, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को करते वक्त हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप ही महान बन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।